बहराइच में हालात हुए बेकाबू, ब्रजभूषण सिंह का आया बयान, दोनों समुदाय के लिए कह दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दो समुदाय के बीच ऐसा विवाद हुआ कि हालात बिगड़ गए, बल्कि दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, दुकानों में आग लगा दी, दोनों तरफ से भयंकर पथराव भी हुआ। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। इस हिंसा की शुरुआत शनिवार रात को हुई और अभी तक यह हिंसा जारी है। हालांकि पुलिस का दावा है कि अब मामला शांत हो चुका है और दोनों समुदाय के बीच शांति बनी हुई है। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है, तो वहीं इसी बीच इस हिंसा पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पूर्व सांसद ने कहा कि मैं इस समय बहराइच में नहीं हूं और मेरी कोर्ट में तारीख थी, इसलिए आया हूं। मैं दोनों समुदाय के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि शांति बनाए रखें, सरकार सभी को न्याय दिलाएगी। सुने ब्रजभूषण का बयान, उन्होंने लोगों से अपील करते हुए क्या कुछ कहा। बहराइच में जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़की, एक की मौत के बाद सड़कों पर लोग आ गए, आज सरकार तमाम कोशिशें भी कर रही है, किस तरीके से संदेश देंगे? देखिए, चूंकि मैं इसमें बहराइच में हूं नहीं, मेरी कोर्ट में तारीख थी, मैं आया हूं और समाचार मुझको मिला। हम तो दोनों संप्रदाय के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शांति बनाओ और सरकार सबको न्याय दे। वहीं बहराइच में हिंसा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि जो जो पक्ष इसमें है वो कानून व्यवस्था बनाए रखें, सभी पक्ष कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे तो मामला शांत होगा और इस तरह का विवाद आगे नहीं होगा। सुनिए अखिलेश यादव का बयान कि जो जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे, उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है, प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए, एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में, पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतज़ाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। वहीं बहराइच जिले में पुलिस फोर्स तैनात है, जहां यह हिंसा हुई है चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई है और हर किसी पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला शांत है और लोगों को समझाया गया है और लोग अब मान गए हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जो फरार हुए हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से होती है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।